मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बीजेपी पर बरसे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कई आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विस्तार से इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस को झटका लग गया। 66 सीटों पर कांग्रेस से बच गई। हालांकि कांग्रेस ने अपने नेता प्रतिपक्ष को चुनने में देरी नहीं की और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया। वहीं अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उमंग सिंघार ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, क्या इसे कहते हैं डबल इंजन वाली बीजेपी सरकार। सीएम के चयन का फैसला 10 दिन में, मंत्रिमंडल का फैसला 12 दिन में, अब विभागों के बंटवारे में देरी और खींचतानी जारी है। प्रदेश में मंत्रियों को विभागों का बंटवारा आखिर कब होगा। वहीं उन्होंने आगे लिखा कि डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का इंजन ही चलता दिखाई दे रहा है। आखिर प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार दिया भी है या नहीं, या सारे फरमान दिल्ली दरबार से जारी हो रहे हैं। आगे उमंग सिंघार ने लिखा है कि बीजेपी की लेट लतीफी से शासन व्यवस्था ठप पड़ी है। जो सरकार विभागों की खींचतानी में लगी हो वो जनता को कैसे संभालेगी। उन्होंने लिखा है, जनता परेशान है, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किन मंत्रियों के पास जाए। अब जनता मंत्रियों की तरह अपने कार्यों के लिए दिल्ली तो नहीं जा सकती है। वहीं उमंग सिंघार आगे लिखते हैं कि अब एक बड़ा सवाल है कि सरकार कौन चलाएगा। मध्य प्रदेश में सुशासन का आरंभ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जहां सीएम और मंत्रिमंडल का चयन हो चुका है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है। या यूं कहें कि जो विभाग है मंत्रिमंडल में, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, इसका बंटवारा नहीं हुआ है। इसके ऊपर उमंग सिंघार बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। वहीं वो ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि सारे फरमान दिल्ली से आ रहे हैं, सीएम मोहन यादव क्या कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है और कब तक आखिर मंत्रियों को उनका विभाग मिलता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।